साइबेरियन पंछी बढ़ा रहे हैं संगम की शोभा। यूरोप की झीलों और नदियों के खूबसूरत परिंदों ने इलाहाबाद के संगम तट को वक्त से पहले ही अपना नया ठिकाना बना लिया है। विदेशी मेहमान के इस कलरव से संगम आने वाले सैलानी और पर्यटकों का दिल भी लग गया है। आमतौर पर यह पंछी जनवरी के आखिरी हफ्ते में संगम में आते हैं, परंतु इस बार वक्त से पहले ही संगम का रुख कर लिया है। प्रयागराज के संगम पर सूरज की पहली किरण, शंख की ध्वनि और मंत्रों के बीच विदेशी मेहमानों का कलरव भी सुनाई पड़ने लगा है। यह विदेशी मेहमान सात समंदर पार कर अपने देशों से अपना आशियाना छोड़कर संगम नगरी में अपना डेरा डाले हुए हैं। कहा जाता है कि जब जनवरी के महीने में लगने वाला माघ मेले का महीना शुरू होता है तो ये पंछी वहां से अपने आप चले आते हैं और फिर गर्मी के शुरू होते ही यह अपने देश वापस चले जाते हैं। लेकिन इन पंछियों को प्रयागराज की धरती और प्रयाग के संगम में इनको हर साल आना तय है और यहाँ के लोगों को भी इनके आने का बेसब्री से इंतजार रहता है कि ये पंछी आए तो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। और तो और इन पंछियों को देखने के लिए विदेशी सैलानी भी आते हैं और खूब मजे लेते हैं। एक आवाज पर ये पंछी पानी में दौड़ते हुए चले आते हैं। आते हैं यहाँ पर हर साल साइबेरियन बर्ड, और लोगों में किस तरह से आकर्षण केंद्र, कितना अच्छा लगता है यहाँ आप लोग आते हैं? देखिए, ये ऋषि मुनियों की धरती रही है प्रयागराज की पावन धरती जो है। यहाँ संगम है, तीन नदियों का संगम समागम है, जिसके वजह से पहले से इतिहास में चलते आ रहा है कि लोग जो हमारे पूर्वज हैं या हमारे पिताजी माताजी दादा बताते गए कि इलाहाबाद के बारे में हम लोग पढ़ते आए। उस चीज़ को देख के जब सोशल मीडिया का ज़माना आया, विदेशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ कि नहीं प्रयागराज पे एक महोत्सव बहुत बढ़िया हर साल मनाया जाता है माघ मेले का, उस चीज़ की वजह से आकर्षण बढ़ा। और सबसे बड़ी बात कि जो पूरे विश्व में जो यहाँ पे जितनी एरिया है, इतना बड़ा कहीं एरिया नहीं इससे, और जो यहाँ पक्षियों का आना है वो उनका अपना अलग ही एक अंदाज है कि हर मतलब उनके साइबेरियन पक्षियाँ जो आती हैं उस आकर्षण का केंद्र इतना भव्य हो जाता है कि इससे जो चीज़ें सोशल मीडिया से हम लोग प्रचारित करते हैं तमाम लड़के और आपके चैनल के माध्यम से अदर चैनल जो किए कि जिससे पूरे विदेश के लोग आने लगे हैं अधिक से अधिक संख्या में। क्या नाम है? अनूप सिंह। कैसे लगता है, क्या आकर्षण का केंद्र, कितना अच्छा लगता है? यहाँ जो साइबेरियन पक्षी आते हैं साल में एक बार आते हैं माघ के महीने में, एक बहुत महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र बना रहता है साइबेरियन पक्षी। लोग यहाँ आते हैं, दाना खिलाते हैं, एंजॉय करते हैं। प्रयागराज शहर का माना जाना शहर है पूरे विश्व में, यहाँ के लोग आते हैं, विश्व के लोग आते हैं, यहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं। माघ मेला से जैसा लगता है यहाँ पे हर तरीके के लोग, यहाँ आकर्षण का केंद्र प्रयागराज शहर बना रहता है। साइबेरियन को हम लोग दाना खिलाए, एंजॉय किए, हर लोग यहाँ पे खिलाते हैं। रवि। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिजाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।